नमस्कार दोस्तों, यू न्यू वीडियो भंडार चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं स्वराज 735 FEE ट्रैक्टर के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हम बात करें, ये 40 HP की कैटेगरी का ट्रैक्टर है, पूरा 40 HP का ट्रैक्टर है। ये 3 सिलेंडर है, 2478 CC का इसका इंजन है और 1800 इंजन रेटेड आरपीएम के साथ में ट्रैक्टर आता है। और जो एयर क्लीनर है, 3 स्टेज ऑयल बाथ एयर क्लीनर है और सिंगल क्लच के साथ में ट्रैक्टर आता है। ऑयल इंग्रीज ब्रेक के साथ में 540 चक्कर इसके, रिवर्स मीडियो नहीं इसके अंदर, और पावर स्टेयरिंग में ट्रैक्टर आता है। ऑप्शनल में है ये, आप मैकेनिकल स्टेयरिंग भी ले सकते हो। और सबसे बड़ी क्वालिटी एक और भी है, 735 FEE ट्रैक्टर एक सेंटर, ये जैसे ये सेंटर शिफ्टिंग एयरबॉक्स में है, सेंटर एयरबॉक्स में है, वो साइड शिफ्टिंग एयरबॉक्स के साथ में ट्रैक्टर आता है। उसकी एक अलग से, मैं आपको उसकी पूरी डिटेल अलग से बताऊँगा। बिल्कुल सेम मॉडल है, बस इसका थोड़ा सा ये HP बढ़ जाती है और जैसे रिवर्स वीडियो वगैरह उसके अंदर ऐड हो जाती है। एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको वीडियो देख लेना, लेकिन ट्रैक्टर यही होगा। और जो लिफ्ट कैपेसिटी इसकी 1500 kg की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ में ट्रैक्टर आता है, जैसा कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ सारी चीज़ें। ये अपना स्वराज 735 FEE ट्रैक्टर है भाई, स्वराज 735 FEE ट्रैक्टर, 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है ये, बोस कंपनी का इनलाइन पंप लगा हुआ है इसके अंदर, 3 सिलेंडर ट्रैक्टर के साथ में। और जो 2478 CC के साथ में 1800 इंजन रेटेड RPM के साथ में इसका इंजन है ट्रैक्टर का। अगर हम इसके एयर क्लीनर की बात करें, 3 स्टेज ऑयल बाथ एयर क्लीनर के साथ में ट्रैक्टर आता है। इधर अपना ये वाटर सेपरेटर के साथ में डीजल ऑयल फिल्टर, जो फ्रंट एक्सल है इसका नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल है, थोड़ा सा टिंटेड है, करो में है ताकि ट्रैक्टर कम एरिया में ज़्यादा कटाई कर सके। और ये इधर अपना सिलेंडर, पावर स्टेयरिंग सिलेंडर, सिंगल एक्टिंग वाला पावर स्टेयरिंग सिलेंडर है इसका अपना ट्रैक्टर का। और अगर हम इसकी क्लच की बात करें तो ये सिंगल क्लच के साथ में आता है ट्रैक्टर, सिंगल क्लच के साथ में 540 PTO लीवर है ये अपना, 540 PTO लीवर के साथ में। और जो सीट है वो एडजस्टेबल सीट के साथ में आता है ट्रैक्टर, आप अपने सीट एडजस्ट कर सकते हो। कॉन्स्टेंट मैस गियर बॉक्स के साथ में सेंटर, कॉन्स्टेंट मैस गियर बॉक्स के साथ में सेंटर शिफ्टिंग गियर बॉक्स है ये, 8+2 के साथ में आता है ट्रैक्टर। अगर हम इसके इंजन रेटेड मीटर की बात करें तो ये 2400 RPM के साथ में ट्रैक्टर आता है, 2400 RPM के साथ में ट्रैक्टर आता है। अगर हम इसके फ्रंट उधर से अगर आप पंप की बात करें, जैसे कि ये अपना हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक फिल्टर के साथ में, और ये इधर अपना पावर स्टेयरिंग पंप है जो कि आप अपने ट्रैक्टर पर, इधर बैटरी बॉक्स साइड में दिया गया है बैटरी बॉक्स, और जो ये अपना ब्रेक है ऑयल इमिल्स ब्रेक के साथ में ट्रैक्टर आता है। इधर ये अपना लिफ्ट पोजीशन ड्राफ्ट वगैरह सेट करने के लिए, और ये पोजीशन सेट करने के लिए आप लिफ्ट पोजीशन सेट कर सकते हो। इधर ये अपना कोई भी वहाँ मोबाइल वगैरह चार्ज करना चाहते हो तो आप इजीली मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हो आसानी से, ऐसा कुछ नॉर्मल, बिल्कुल काफ़ी अच्छा फर्स्ट क्लास मुड गार्ड और इंडिकेटर के साथ में ट्रैक्टर आता है। अगर हम इसके फ्रंट टायर की बात करें तो ये 6.16 के टायर में है ट्रैक्टर, फ्रंट टायर 6.16 के टायर में अपनी डिसेंट लुक के साथ में। जो बैक टायर है इसका 13.628 का टायर है, 13.628 का टायर। जैसा कि आप लिफ्ट की बात करें, 1200 kg की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ में ट्रैक्टर आता है। इधर आप कोई भी हाइड्रोलिक, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंप्लीमेंट यूज़ करना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हो, 540 चक्कर के साथ में। अगर आप तो हाइड्रोलिक वो अगर यूज़ करना चाहते हो, ट्रॉली वगैरह यूज़ करना चाहते हो, आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हो इजीली। जो बैक एक्सल है पूरा ऑयल में डूबा हुआ बैक एक्सल है, ये रिफ्लेक्टर के साथ में, ये बोटल होल्डर के साथ में, काफ़ी अच्छा 735 FEE ट्रैक्टर है भैया, 735 FEE। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।